नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज डीआरडीओ के द्वारा बहुत ही खास जानकारी दी गई है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि डीआरडीओ दो ऐसे हथियारों पर काम करने जा रहा है जिसके दम पर यदि भारत के दुश्मन देश भारतीय सीमा को लांघने का प्रयास करेंगे तो उनके जीथड़े तो उड़ ही जाएंगे, परंतु दुश्मन देशों को उनके फाइटर जेटों, ड्रोन या फिर किसी भी हवाई हमलावर का मलबा तक नहीं मिलेगा। और दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे ये दो हथियारों का नाम है ईआरसीएम और एक्सआरसीएम। और दोस्तों, ये भारत के दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम होने वाले हैं जो कि एक्सटेंडेड रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है। ईआरसीएम की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है जबकि एक्सआरसीएम की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर बताई जा रही है और इस पर डीआरडीओ ने काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। और दोस्तों, डीआरडीओ के ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक तो होंगे परंतु दुश्मनों के लिए बन जाएंगे क्योंकि इनमें स्पेशली तौर पर तीन प्रकार की रडारों का उपयोग करा जाएगा। एक रडार लंबी दूरी के टारगेटों को ट्रैक करेगा और दूसरा जो रडार होगा वो छोटे आकार के और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले या कहें चोरी छुपे भारत की सीमा में घुसने वाले टारगेटों को ट्रैक करेगा। और इसके साथ ही फायर कंट्रोल रडार भी इनमें लगाया जाएगा जो कि मिसाइलों को लॉन्च होने का आदेश प्रदान करेगा। और इस तरीका से भारत के ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जाएंगे जो कि जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे से छोटे ड्रोन से लेकर बड़े से बड़े फाइटर जेट या फिर सुपरसोनिक गति से उड़ने वाले बॉम्बरों तक को आसानी से धूल में मिलाने में सक्षम होगा। और दोस्तों, यही इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत होगी, यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। साथ ही इसके एक लॉन्चर या कहें एक बैटरी में चार मिसाइलें होंगी जिनमें से दो मिसाइलें होंगी ईआरसीएम की और दो मिसाइलें होंगी एक्सआरसीएम की जो कि दुश्मनों को खाक करने के लिए काफी होंगी। बाकी दोस्तों, आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है और डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट को आप कितना सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।